हे दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांश नागर और आपका स्वागत है मेरे चैनल मामा के ब्लॉग्स में। और आइए आज हम चलते हैं केरी के महादेव। मैं अभी मेरे घर पे हूँ और मेरे रहता हूँ मंडीदीप में। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर होगा केरी के महादेव। वाह, क्या तो सीन है। आज बारिश नहीं हुई है इसलिए हम बाइक से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये नानाखेड़ी हम पहुंच चुके हैं और ये रेलवे अंडरब्रिज अभी अभी बना हुआ है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। खेत बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये अभी धान की खेती होती है इस टाइम पे। ये हम जंगलों के रास्तों से होते हुए जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 25-1 किलोमीटर होगा केरी के महादेव। ये हम एक गांव के पास रुके हैं। ये गांव का तालाब है। यहाँ पे हमको अच्छा लग रहा था, मैंने बाइक से देखा इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। आप ये सीन देखिए, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी गांव वालों से पूछा तो वो बता रहे थे लगभग यहाँ से होगा 17-18 किलोमीटर लगभग। हम वहीं जा रहे हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। 1-1.5 घंटे जितना भी लगे, जंगल का रास्ता है। ये तालाब है, शायद से दाऊद डैम का एरिया है ये, ऐसा लोगों ने बताया था मुझे। मुझे तो पता नहीं है, वैसे मेरा पास जाने का मन कर रहा है पर टाइम नहीं है उतना। बहुत ज़्यादा धूप भी है यहाँ पे, मुझे गर्मी भी लग रही है। ये केरी के महादेव जाने का रास्ता है यहाँ से, और यहाँ से कार नहीं जा सकती इस टाइम अक्टूबर एंडिंग तक, क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। ये रास्ता है, आप पढ़ सकते हैं इस टाइप से। ये जंगल से होके हमको जाना है बिल्कुल। यहाँ पे बारिश हो जाती तो बहुत दिक्कत होती है, ये रास्ता ख़राब हो जाता है। ये एक पुलिया है रास्ते में यहाँ पे, ये अच्छा लग रहा था मेरे को इसलिए हम 2 मिनट के लिए रुके हैं। और ये हमारे राम भाई हैं, ये देखिए आप, इस टाइप से पानी भरा हुआ है। ये रास्ता है, यहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं केरी के महादेव। ये सीन देखिए आप, इतना प्यारा लग रहा है मेरे को तो। शूट करने से अच्छा मेरे को लग रहा है कि मैं देखूं। ये देखिए आप, वाह, इतना लंबा जंगल मैंने आज तक इतनी ऊंचाई से खड़े होकर नहीं देखा होगा कभी भी। ऐसा डर लग रहा है मेरे को नीचे देखने में। ये देखिए यहाँ से झरना बह रहा है, आपको और क्लियर से दिखाता हूँ अभी। ये देखिए आप सीन ये वाला, वाह। ये देखिए जूम करता हूँ थोड़ा, देखिए हम अभी वहीं पे जाएंगे। धूप बहुत ज़्यादा है पर क्या कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है पर फिर भी यहाँ पे। यहाँ से ये देखिए आप, वाह, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे खड़े होके मेरे को। ये अब फाइनली हम यहाँ पे जाएंगे बस 2 मिनट में। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, ये रास्ता है साइड से थोड़ा आगे साइड से। यहाँ से पैदल पैदल जाना है हमको नीचे तक। वहाँ पे एक मंदिर भी है ऊपर से दिख रहा था, वहाँ पे दर्शन करेंगे फिर जाएंगे नीचे। ये देखिए आपको वहाँ, यहाँ से पूरा जंगल दिख रहा था। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, सीढ़ियाँ बहुत छोटी है इसलिए मेरे को नीचे देख के चलना पड़ रहा है, पर मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके मुझे। ये देखिए आप, पहाड़ बहुत ऊपर से कैसे दिख रहे हैं। ये यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है, कुछ लोग भी हैं साथ में। ये पानी पहाड़ के अंदर से आ रहा है आई थिंक, अच्छा लग रहा है पर यहाँ पे आके। और ये जगह बहुत अच्छी है, ये देखिए आप पानी को, ये बंदर, ये देखिए ये मुझको देख रहा है बहुत ज्यादा। ये देखिए आप इसको, ये रास्ता है, एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे शंकर भगवान का। ये जड़ में से यहाँ पे पानी बह रहा है, पी भी सकते हैं अपन इस पानी को। ये देखिए बंदर को प्रसाद खा रहा है,
मैं दर्शन कर लूँ? आप देखिए, ये देखिए आप, भगवान जी की मूर्ति है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने सोचा मुंह धो लूँ, अच्छा लग रहा था। फाइनली अब हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने का रास्ता है, ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा पकड़ के चलना पड़ेगा, गिरने का डर है। ये देखिए आप, फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे झरने के पास। बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की धूप आ रही है। आप ये देखिए, और पानी गिर रहा है, उसको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो। देखिए इधर से, यहाँ पे कोई नहीं आया है इस टाइम पे, अकेले में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये पहाड़ी एरिया है थोड़ा, इस चक्कर में सोच रहा हूँ नहाने चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ आए राम भाई भी बोल रहे हैं, फाइनली अब हम यहाँ पे नहा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वो पानी ऊपर से गिर रहा है, देखिए। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 5 बज चुके हैं लगभग में, क्योंकि जंगल का एरिया इसलिए घर जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो रात में दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और